V24 न्यूज चैनल की सभी खबरों को पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करके सभी खबरों की अपडेट आपके मोबाइल पर प्राप्त करते रहे। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सहमंत्री राव गोपाल सिंह पोसालिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चुरू जिले के राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त के आत्महत्या प्रकरण की शीघ्र उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने कहा कि विष्णुदत्त श्रेष्ठ, ईमानदार, साहसी, निडर व कानून के सच्चे रखवाले हैं। उनके आत्महत्या से अधिकारी कर्मचारी खौफ व भयग्रस्त हैं। महासंघ ने राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त आत्महत्या के संपूर्ण प्रकरण की त्वरित जांच कर राजस्थान के अधिकारी कर्मचारियों को राजनैतिक षड्यंत्र के खौफ से मुक्त करने की गुहार की। जिले के राजगढ़ के थाना अधिकारी श्री विष्णु जी का आत्महत्या का प्रकरण है, वो कर्मचारियों को दहला उठाए। सादुलपुरा के थानाधिकारी विष्णुदत्त जी ने सुसाइड किया और उस सुसाइड की वजह राजनीतिक दबाव की पराकाष्ठा तब दिख रही है जब वहां के पूरे स्टाफ ने सामूहिक रूप से अपने स्थानांतरण की गुहार की है। सुसाइड नोट को सार्वजनिक करना चाहिए और उनकी गोवर्धन सिंह जी के साथ में जो सेट हुई है उस सेट को भी सार्वजनिक करना चाहिए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। उनके ये बयान कि मुझे गंदी राजनीति के भंवर में फंसाने की कोशिश की जा रही है स्पष्ट इंगित करते हैं कि उनके प्राण जाने का मुख्य कारण गंदी राजनीति है और सरकार के सिस्टम पर एक सवालिया निशान है कि जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस कदर जनता को, अधिकारी और कर्मचारियों को भयक्रांत करके अच्छे शासन की कैसे इच्छा कर सकता है। जैसा कि विभागीय अधिकारी पुलिस के बता रहे हैं कि विष्णु जी श्रेष्ठ, ईमानदार, साहसी और निडर पुलिस अधिकारी थे। ऐसे पुलिस अधिकारी को आत्महत्या जैसा कृत्य करना पड़ा, उसके पीछे की क्या साजिश रही होगी उसको सोच समझ कर अधिकारी और कर्मचारी सिहर उठते हैं। इसलिए आज हमने संवेदनशीलता का स्वांग रचने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि चित्तौड़गढ़ में भी एक आईएएस महिला अधिकारी को, कोरोना योद्धा को विधायक जी की सिफारिश पर तुरंत एपीओ करके दूसरी जगह लगा दिया था और ये थानाधिकारी जी की हत्या ये बताती है कि राजस्थान में जनप्रतिनिधि जो चुन करके आए हैं वो अधिकारियों और कर्मचारियों में खौफ पैदा कर रहे हैं, जिससे आप अच्छे कार्य की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कानून संवत, ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को यदि आप राजनीतिक धौंस दिखा करके उससे गलत कार्य करवाने के लिए विवश करोगे, उसको एपीओ स्थानांतरण और फंसाने के षड्यंत्रों के माध्यम से परेशान करोगे तो वो ईमानदारी से कैसे सेवाएं दे पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस संपूर्ण प्रकरण की पूरी न्यायिक जाँच हो और दोषी अधिकारी और जनप्रतिनिधि है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाए। जय संगठन।